अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। यू आर वॉचिंग किरण ब्यूटी सैलॉन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ किरण खान और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रिव्यू इन दो क्रीम्स का। दोनों क्रीम्स जो हैं ये बेसिकली पॉन्ड्स की क्रीम्स हैं। एक हमारे पास है पॉन्ड्स की एज मिरेकल और दूसरी है हमारे पास पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी। दोनों क्रीम्स जो हैं ये दावा करती हैं कि ये आपके कलर को फेयर करती हैं, आपकी रंगत निखारती हैं। प्लस ये कि जो एज मिरेकल है, एज यू नो के नाम से ही पता है कि ये एज मिरेकल है, तो ये क्रीम जो है ये आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी ख़त्म करती है, कंपनी ये दावा करती है। खैर जी, दोनों क्रीम्स के बॉक्सेस आपके सामने हैं और इनकी हालत जो है वो इसलिए ख़राब हो रही है कि मैंने इनको यूज़ किया है और बॉक्सेस मैंने संभाले थे कि आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना था। पॉन्ड्स की जो वाइट ब्यूटी क्रीम है, इसका बॉक्स जो है वो एज मिरेकल की बनिस्बत थोड़ा छोटा है और इसकी जो बॉक्स की पैकेजिंग है वो थोड़ी सी रफ़ सी है। इसके ऊपर मेंशन है कि ये आपके फेस को फेयर करता है, आपके कलर को निखारता है, ब्ला ब्ला इस तरह की बहुत सारी बातें इस पर लिखी हुई हैं। अच्छा जी, अब इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है आपको मैंने ये बताना है। सबसे पहले तो हम इनको ओपन कर लेते हैं कि इनकी जो पैकेजिंग है वो किस तरह की है। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास पॉन्ड्स की एज मिरेकल है। इसकी जो पैकेजिंग है ये कांच की है, इसकी जो बॉटल है वो कांच की है। और जो पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी क्रीम है, इसकी जो बॉटल है वो है हमारे पास प्लास्टिक की। तो जी, अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों क्रीम्स में से ज़्यादा अच्छी क्रीम जो है वो कौन सी है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों क्रीम्स जो है वो नहायत बकवास हैं और इनके कोई रिजल्ट नहीं है। अगर हम पॉन्ड्स की एज मिरेकल की बात करते हैं तो इसका कहना ये होता है कि ये आपके रिंकल्स को करेक्ट करती है। इसके ऊपर स्पेशली लिखा हुआ है कि ये आपके फेस को बहुत ग्लो देती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं मानती हूँ थोड़ी बहुत ग्लो जो है वो आपके फेस पे आती है, लेकिन आपके रिंकल्स को ये बिल्कुल करेक्ट नहीं करती है, आपके जो स्किन कलर है उसको ये बिल्कुल चेंज नहीं करती है, तो बिल्कुल ये वेस्ट ऑफ मनी है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी की। तो ये क्रीम बेसिकली एक किस्म का आटा है कि आप अपने चेहरे पर इसको मल लें और आपका चेहरा फोर्थ टाइम के लिए तो बहुत गोरा चिट्टा हो जाएगा, बट जब आप इसको वॉश करते हैं, साबुन से धोते हैं, पानी से धोते हैं, तो फिर ये आपका पूरा वॉश ऑफ हो जाएगा। तो मींस के ये फॉर द टाइम के लिए तो अच्छी है, बट इसके कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रिजल्ट्स नहीं है। तो ये जी आज का रिव्यू था हमारा इन दोनों क्रीम्स के हवाले से। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब आपसे मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।